अंकित सर जी सर, आज महाशिवरात्रि है। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई। जी सर, बधाई सर। और अभी क्लास लेके आ पा रहे हैं। जी सर। और महाशिवरात्रि हमारे भगवान शंकर भगवान जी, और एक के बाद एक 24 घंटे में 5 न्यूज। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक जी। एक न्यूज तो रात में 11:15 बजे आई, हमने सोचा कि आपको जगा दे, लेकिन हमने कहा ऑलरेडी हम लोग वीडियो बना चुके हैं। तो अंकित सर, एक के बाद क्या न्यूज आई? एक सर, के बाद सबसे पहले तो टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज आई 28 फरवरी को, और ये न्यूज थी 11:15 बजे। शुक्रवार आई कि हमने आपको फोन नहीं किया जी। और फिर उसके बाद न्यूज आई इंडिया टुडे की, जो 1 मार्च 4:15 पीएम की थी, ठीक 18 घंटे के बाद आ गई। बिल्कुल। और तीसरे जो न्यूज आई इस तरीके की, एनडीटीवी एजुकेशन 1 मार्च 6:19 दो घंटे के बाद। और फिर इसके बाद न्यूज आई न्यूज 18 1 मार्च 6:20 पर, ठीक 1 मिनट के बाद। बिल्कुल, बिल्कुल। अरे बाप रे बाप। फिर और फिर टाइम्स ऑफ इंडिया पे 1 मार्च पे 6:51 पे, तो 20 घंटे में 5 न्यूज। बिल्कुल, बिल्कुल। कब होगा नीट? कब होगा नीट? जरा ये बच्चों को दिखा भी दीजिए। देखिए सर, सबसे पहले जो ये न्यूज है, ये न्यूज है टाइम्स ऑफ इंडिया की। टाइम्स ऑफ इंडिया की देखिए ऊपर ये न्यूज है, लाइकली टू बी हेल्ड इन जून एंड। दूसरी न्यूज दिखाइए। दूसरी न्यूज है इंडिया टुडे। इंडिया टुडे, नीट 2020 likely to be held in June end, date expected soon. और फिर जो तीसरी न्यूज है, ये NDTV education की है, इसमें भी जून एंड और जुलाई लिखा हुआ है इसमें। इसके बाद सर, इसके बाद देखिए, मजे की बात देखिए क्या है, नीट 2022 dates finalized, वहां पे था likely during NTA NMC meeting। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और पांचवी न्यूज है फिर टाइम्स ऑफ इंडिया की, हमें लगता है जी पांचवी न्यूज फिर टाइम्स ऑफ इंडिया की है सर। नीट यूजी एग्जामिनेशन देखिए यहां पे दिया है जी जी जी। लिखा है सर, वाइल्ड एग्जाम विल बी हेल्ड इन जून एंड। और यहां पर यह भी लिखा है, द नोटिफिकेशन विल बी आउट बाय अप्रैल NTA। तो कुल मिला के एक के बाद एक जी 5 न्यूज। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और देखिए यहां पे लिखा है लाइकली टू बी हेल्ड जून एंड। अब अंकित सर, अभी जब हम लोग वीडियो बना रहे थे जी, तो आपने एक चीज बताया कि सर जेई मेंस की डेट सीट आ गई। हाँ। डेट सीट आ गई। बिल्कुल, बिल्कुल। इसका मतलब देखिए, एक बात तो है कि सरकार बहुत सीरियस है। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरी बात है कि हम लोग बच्चों से ये कहना चाहेंगे कि नीट कब होगा कब नहीं होगा ये तो एनटीए जाने, लेकिन अगर ये 5 सोर्सेस से एक ही न्यूज आ रही है जी जी, तो इसमें कुछ सच्चाई तो होगी। बिल्कुल सर, मतलब बिल्कुल। इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल, ऐसा नहीं कर सकते कि भाई नीट तो सितंबर में ही होगा, ये पेपर वाले लिखते रहेंगे। और सर, इवन जेई मेंस के फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो रहा है ऑफिशियल वेबसाइट। तो अंकित सर, फाइनली हम लोग बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, सजेस्ट ये करना चाहेंगे बिल्कुल जून को मान के वो तैयारी करें। बिल्कुल, टाइम। और हम लोगों ने पहले भी एक वीडियो बनाया था, और मुझे यह लगता है कि पहली बात तो ये नीट अब सितंबर में तो होने के चांसेस बिल्कुल खत्म है। बिल्कुल, ये जून के बाद बच्चे ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन की और उम्मीद कर सकते हैं बस। मतलब जुलाई अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है, हाँ जी, जून के बाद। हाँ, ज्यादा से ज्यादा अब हमें लग रहा है कि जो हम लोग अगस्त फर्स्ट वीक बोल रहे थे, हो सकता है ये मिड जुलाई या जुलाई लास्ट वीक तक हो जाए। बिल्कुल बच्चों, जो भी न्यूज आएगी ऑफिशियल न्यूज वो देना, आपको बताना, हम लोग काम है ताकि आप सतर्क हो जाएं। अंकित सर, एक बात और है कि अभी भी अगर हम लोग जून एंड भी मान ले तो 4 महीने का टाइम। बिल्कुल सर, और 4 महीने में बच्चा बहुत अच्छे से तैयारी कर सकता है, और हम लोग भी बच्चों के साथ बहुत कायदे से इस बार जुटने वाले हैं, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे पर्सनल बैच में हो। अच्छा अंकित सर, अब बच्चे एक्सपेक्टेड डेट पूछ रहे हैं जी। ये बच्चों एक ऑफिशियल न्यूज थी, मुझे बेटा ऐसा लग रहा है कि ये जो जून एंड बताया जा रहा है उसके बाद आपके पास 15-20 दिन की गुंजाइश और हो सकती है। सितंबर में पेपर नहीं होगा और जून के फर्स्ट वीक में नहीं होगा, ये दो चीज क्लियर है। तो हमें लगता है कि 4-4.5 महीने का टाइम बच्चों को मिल सकता है, और इसी हिसाब से बच्चों को तैयारी करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज महाशिवरात्रि और एक के बाद एक 5 न्यूज, उसके बाद IIT की भी डेट सीट फाइनल हो गई। मेरा हमेशा ये सजेशन होता है कि आप अर्ली मान के चलिए, ठीक है ना। हम आपसे कहें अगस्त लास्ट में होगा, अगस्त फर्स्ट वीक में होगा, अब आप जून की डेडलाइन को मान के तैयारी करिए। और अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो और टीम न्यूराइट की तरफ से कोई हेल्प चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अंकित सर जब उन्होंने वीडियो बनाया था फुल लेंथ वाला तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे कि सर स्कोर बूस्टर शुरू करिए, बिल्कुल ठीक है ना। तो वो हम लोग 11 मार्च से शुरू करने ही जा रहे हैं, उसका डिटेल भी बच्चों को दे देंगे। तो बच्चों इस फील्ड में हम लोग काफी समय से हैं आप लोगों को गाइड करते हुए, और आपको मेडिकल कॉलेज में जाते हुए बहुत अच्छे से देखा, उसको एंजॉय किया है। फिर एक सपना, एक ड्रीम, एक लक्ष्य कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आप लोग मेहनत करो, सेलेक्ट हो, कॉलेज में जाओ, माँ बाप के सपने को पूरा करो, अच्छे डॉक्टर बनकर देश और समाज की सेवा करो। उसमें अंकित सर अगर हम लोगों से कुछ भी हो पाया तो हम लोग बच्चों के लिए तैयार रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, किसी भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और किसी भी तरह की दिक्कत हो तो हम लोगों के वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है ना। और अंकित सर जी, सर अपना भारत महान, जय हिंद, जय भारत, जै भारत।